बात कर रहे थे पीकी ब्लाइंडर सागा के बारे में. सो सेवन ईयर्स के लिए फिर के बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे वन नॉट वन थिंग्स अबाउट पीकी ब्लाइंडर्स करके एक वीडियो वहां पे देखा. तो जितने मैं फैक्ट्स कलेक्ट कर सकता था, जितने मैं चीजें जान सकता था वो मैंने जानी, और उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बोल दूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. सो क्या है ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, स्टोरी राइटर है, स्टोरी राइटर स्टीवन नाइट्स ने किया है, हाँ, तो उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वो खुद बर्मिंगहम से है, जो जिस पार्ट में ये शूटिंग किया गया है, लंदन के जिस पार्ट में ये स्टोरी बेस्ड है पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है. उनके इंटरेस्टिंग किस्से हैं, मतलब अभी उनकी एज 60-70 है, जब वो बच्चे थे उस टाइम पे सुना करते थे पीकी ब्लाइंडर्स ऐसे होते वैसे होते, वो एक्चुअल में कैसे होते थे, उनके बारे में स्टोरीज हैं. फिर जो स्टोरी बोली जाती है कि पीकी ब्लाइंडर्स, मतलब जो पीक है उनकी कैप है, उसके अंदर रेजर रहते थे और उससे लोगों को काटते थे. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिलेट ने एक्चुअल में रेजर ब्लेड्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे पूरे वर्ल्ड में 1930 के बाद में किए थे, 1930 के बाद में. और पीकी ब्लाइंडर्स का जो पूरा का पूरा स्टोरी प्लॉट है वो 1890 से लेकर 1920-30 तक आता है. तो देर इज नो चांस कि वो ब्लेड से कट करेंगे वगैरह ऐसा कुछ, ये बस स्टोरीज बनाई गई थी. उन्होंने बाद में बात की गैरिसन पब के बारे में, बोला जाता है कि वो ऐसा ही गैरिसन पब था और रियल में ही ऐसी चीज़ें होती थी. फिर उसके बाद में उसमें जो स्टोरी में एक दूसरे को क्या बोलेंगे उसको, मैसेज दिए जाते नोट के ऊपर लिख के दिए जाते थे, वो उसमें रियलिस्टिकली होता था. किलियन मर्फी का इंटरव्यू में उसने कहा है कि मतलब वो फर्स्ट जब नाम सुना था पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसको लगा था कि व्हाट इज़ दिस, क्या है क्या चीज़, तो उसके बारे में है. देन कम्स राइटिंग से रिलेटेड हो गया, स्टोरी से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. इतनी तो मुझे याद आ रही है जितने मैं बोल पा रहा हूँ. बाद में किलियन मर्फी ने जो इंटरव्यू में कहा अबाउट कैरेक्टर ऑफ थॉमस शेल्बी, उसके बारे में मैंने कहा. एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट शो. और भी बहुत ज़्यादा आपको जाननी है, अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स के फ़ैन हो मेरी तरह से, तो डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी इन प्रीवियस, क्या बोलेंगे उसको, प्रीवियस उनके वीडियोस में, जो भी आप देख सकते हो ऑनलाइन, जो भी आप सर्च कर सकते हो आप उसको उसमें ढूंढ सकते हो. देन नेक्स्ट किस बारे में बात कर सकते हैं, स्टोरी के बारे में बोला मैंने, थॉमस शेल्बी के कैरेक्टर के बारे में बोला, किलियन मर्फी के बारे में बोला. किलियन मर्फी ने जो इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू में बोला गया, किलियन मर्फी ने बोला और स्टीवन नाइट्स ने बोला कि मैंने कल भी ये बोला था, मिली बॉबी ब्राउन, फिर उसके बाद में टॉम हार्डी, किलियन मर्फी, ये लोग है ना, दे रीड द लिटरेचर, वो लोग स्टोरी पूरी की पूरी पढ़ते हैं. उसमें किलियन मर्फी ने कहा कि स्टोरी इतनी रिच है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि मैं जस्ट, मुझे जस्ट फील हुआ कि आई एम गोना डू दैट कैरेक्टर. सो ये एक प्लस पॉइंट है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्रेट एक्टर, व्हेन यू ट्राई टू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेट एक्टर, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, देन दिस थिंग कम्स फर्स्ट. किलियन मर्फी ने कहा कि मैंने वो स्टोरी जानने की कोशिश की, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टोरी है. जब स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, जब मैं स्टोरी मैंने पढ़ी, इतनी रिच है स्टोरी, इतनी स्ट्रांग है, दैट फेल्ट मी सो गुड. एंड वो मुझे खुद को कितना अच्छा लगा, क्योंकि उसमें वो स्टोरी के बारे में बात कर रहा है. इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी है. अगेन रीडिंग से इंटरकनेक्शन हो गया, जो मैंने लास्ट वीडियोज में बोला है अबाउट रीडिंग, अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट फिटनेस, ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है. एंड दैट what shows what kind of great personality he is. And even writer Stephen Knight's के भी बहुत सारे किस्से उन्होंने बोले कि वो लोग बर्मिंगहम का जो एक्सेंट है बर्मिंगहम, फिर उसके बाद में वो लोग क्या बोलते हैं, आई करके बोलते हैं, फिर उसके बाद में जो एक्सेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त. मैं ट्राई करूँगा इंटरप्रिटेशन करने का थॉमस शेल्बी, फिर उसके बाद में आर्थर शेल्बी, अल्फी सोलोमन्स का कुछ थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करूँगा इंटरप्रिटेशन का. ओके, so these are the things about Peaky Blinders I want to tell you. For more information search on YouTube. Thank you guys. If you know about Peaky Blinders, आपने देखी है नहीं देखी है, आपके क्या views है ये टीवी वेब सीरीज के बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, please comment करके मुझे comment box में ज़रूर बताएं. Have a great day. Peace.